हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति वैश्मिला आज की वीडियो में हम देखें एकदम सिंपल सीधी पट्टी के हल्ल से कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाने वाले हैं ये बहुत इजी है किसी भी साइज में आप बना सकते हैं तो ये हमने सीधी पट्टी बनाई है यहाँ पे बस डोरी डाल के खींच दूंगी तो नीचे की स्कर्ट तैयार हो जाएगी और ये है हमारी ऊपर की चोली ये भी देखें सीधी पट्टी की हल्प से और बहुत खूबसूरत सी ये हमारी कॉलर वाली चोली आएगी ये देखें ये इस तरह से कॉलर आएगी इसकी और ये है हमारी कैप तो सभी का मेज़रमेंट चार्ट के साथ मैंने बताया है चलिए मैं इसे रेडी करती हूँ इसमें जो भी थोड़ा बहुत काम बाकी है इसे हम सिलेंगे फिर आगे, आगे आपको बताऊँगी क्या करना है अब चलिए हम एक एक करके अपनी ड्रेस पहना लेते हैं ये देखिए ये हमारी शॉर्ट है ऊपर की इसमें सिर्फ मैंने एक डोरी डाल दी इसमें हमें कुछ सिलना नहीं है अब देखिए इसका एक हिस्सा यहाँ पे ऐसे नीचे आएगा और उसके बाद ये हमारा दूसरा हिस्सा जाएगा ये इस तरह से और हम यहाँ पे पकड़ के और बांध देंगे ये मैंने डोरी लगा दी है ये इस तरह से पीछे की साइड बांध देना है और बांधने के बाद हम अपनी कॉलर को सेट कर देंगे आप देखिए कितने अच्छे से फिट आ गई है यहाँ पे ये यह थोड़ा सा ऊन निकल के आ रहा है जो मैं कट कर देती हूँ आप देखिए कितनी सुंदर हमारी ये कॉलर वाली ड्रेस आई है पीछे से भी देखिए बहुत सुंदर लग रही है एकदम इजीली आप इसे बना सकते हैं अब मैं आपको घेर पहना के दिखाती हूँ घेर में मैंने अपनी देखिए डोरी डाल के इसे खींच दिया है और कुछ नहीं करना है बस सिंपल सी एक डोरी डालिए और खींच दीजिए ये देखें कितनी सुंदर लग रही है बहुत खूबसूरत लग रही है गैस वो भी हमने इसे सलाई से बनाया है सभी साइज में मेज़रमेंट बताई है किसी भी साइज में आप इसे बना सकते हैं यहाँ पे हमने इस तरह से नॉट दी नॉट देने के बाद हम इसे थोड़ा सा सेट कर देंगे कलर कॉम्बिनेशन आप रखेंगे अच्छा तो आपकी ड्रेस खुद ब खुद अच्छी बनेगी तो कभी भी ड्रेस बनाते वक्त कलर कॉम्बिनेशन का ज़्यादा ध्यान दिया करें ये देखें कितनी सुंदर लग रही है ये ऐसे करके आएगी आप पीछे से ऐसे खड़ा भी कर सकते हैं और आपको अगर पूरी कवर चाहिए तो देखिए पीछे से इन दोनों को ज्वाइंट करने के बाद आप इसे ऐसे सेट कर देंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से सेट भी हो जाएगा और पीछे से कवर भी हो जाएगा पूरा ये देखें अब हम यहाँ पर कैप भी लगा देते हैं बहुत सुंदर लग रहे हैं जी आपके सामने हैं आप देख सकते हैं तो ड्रेस ये इजीली बनाइए और पहनाइए चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है सभी साइज़ का मेज़रमेंट मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है अब देखिए गैस ड्रेस बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये तीन कलर का ऊन लिया है ये जो ऊन है ये मैं डबल करके यूज़ करती हूँ क्योंकि बहुत पतला आता है कढ़ाई करने के लिए आता है ये देखें इसमें बिल्कुल भी रेसे नहीं आते इसलिए मैं इसका यूज़ करती हूँ ये देखिए डबल करने के बाद हमारे नॉर्मल ऊन की जितना ये मोटा हो जाता है साथ में मैंने यहाँ पर नौ नंबर की सिलाई ली है सबसे पहले हम फंदे डालेंगे तो देखें इस तरह से हम ऊन के ऊपर अपनी सिलाई रखेंगे और यहाँ पर फंदा डाल लेंगे ये हमने एक फंदा डाला फिर हमने इस तरह से किया ये दूसरा फंदा फिर इस तरह से किया तीसरा इसी तरह से हमें यहाँ पे टोटल पच्चीस फंदे डालने हैं चलिए डालती हूँ फिर आगे बताऊंगी क्या करना है ये देखिए मैंने यहाँ पे अपने पच्चीस फंदे डाल दिए एक बार फंदा डालने के बाद आप गिन लीजिए अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है ये इस तरह से सलाई को यहाँ पे लगाया हम उल्टा उल्टा बुनेंगे और यहाँ पे देखिए जो ऊन था हमारा इसे हमने थोड़ा कट करके छोटा कर लिया है ये हमने एक फंदा उल्टा बुना ये देखिए इस फंदे को हम यहीं पे इस तरह से दबा देंगे फिर हमने अपना दूसरा फंदा उल्टा बुना फिर हम इस फंदे को यहीं आगे करके दबा देंगे इस तरह से दबा देंगे तो यहीं पर हमारा ये हाइड हो जाएगा ये देखें और अगर आप बहुत पास से कट करके इसे वैसे ही छोड़ देंगे तो फिर आपकी नीचे से बुनाई खुल जाएगी ये इस तरह से हम दबाते चलेंगे तो चलिए मैं ये वाली सिलाई बुनती हूँ फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है ये देखिए मैंने यहाँ पे एक सिलाई बुंदी अभी हमारी दूसरी सिलाई है दूसरी सिलाई से हमारा फंदा घटना शुरू हो जाएगा हम क्या करेंगे देखें यहाँ पे इस तरह से दो फंदे को एक साथ लेंगे और बुन देंगे एक फंदा हमें घटाना है अब यहाँ पे हमारे पास जितने फंदे बचे हैं इन्हें हमें नॉर्मल उल्टा उल्टा बुन देना है ये हमारी सीधी साइड है तो इन्हें हम उल्टा उल्टा बुनेंगे और तीसरी सिलाई हमें क्या करना है सभी फंदों को प्लेन उल्टा उल्टा बुन देना है तीसरी सिलाई में हमारे कोई फंदे नहीं घटेंगे तो चलिए ये वाली सिलाई दूसरी वाली बुनती हूँ और तीसरी वाली भी बुनती हूँ फिर आगे आपको बताऊंगी कि क् क्या करना है ये देखिए हमने अपनी तीसरी सिलाई भी उल्टी उल्टी बुन ली अब फिर हम सीधी साइड आ गए ये हमारी चौथी सिलाई है तो चौथी सिलाई में फिर हमारा फंदा कटेगा ये देखिए इस तरह से दो फंदे को एक साथ बुन देना है फिर बाकी के जितने फंदे बचे हैं उन्हें हम नॉर्मल उल्टा उल्टा बुन देंगे अभी तक हमने यहाँ पे दो बार फंदा घटाया है एक बार हमने पिछली बार घटाया था एक बार हमने अभी घटाया है तो चलिए चौथी सिलाई में सभी फंदों को अपने उल्टा उल्टा बुनती हूँ और पांचवी सिलाई हमारी उल्टी साइड आएगी तो उल्टा उल्टा ही बुनना है तो चलिए पांचवी भी बुनती हूँ और छठी में फिर आपको दिखाऊंगी कि क्या करना है अब देखिए देखिये हमारी ये छठी सिलाई आ गई है हम फिर सीधी साइड आ गए हैं तो फिर हमारे यहाँ पे दो फंदे घटेंगे ये तीसरी बार हमारा दो फंदा घट रहा है ये देखें मतलब एक फंदा घट रहा है जब हम दो फंदे से एक फंदा बना लेंगे तो एक फंदा घट जाएगा अब फिर हम ये वाली छठी वाली सिलाई अपनी पूरी प्लेन उल्टी उल्टी बुन लेंगे और सातवीं हमारी उल्टी साइड आएगी तो उसे हमें उल्टा उल्टा बुनना ही है अब मैं आपको आठवीं सिलाई में बताऊंगी कि क्या करना है ये देखिए ये, ये हमारी अब आठवीं सिलाई आ गई है फिर हम सीधी साइड आ गए हैं जिधर से हमने फंदे घटाया था अभी हमारा चौथी बार एक फंदा घट रहा है ये देखें दो फंदे का हम एक फंदा बनाएंगे और फिर यहाँ पे हमारे पास जितने फंदे बचे हैं उसे हमें प्लेन बुन लेना है तो आठवीं सिलाई तो हमारी प्लेन बुनेगी और नौवीं तो हमें प्लेन बुननी है क्योंकि उल्टी साइड है तो चलिए अब दसवीं सिलाई में आऊँगी तो फिर आपको बताऊँगी क्या करना है अब देखिए ये हमारी दसवीं सिलाई आ गई है और फिर हम यहाँ पे दो फंदा उसी तरह से एक साथ बुन देंगे अब ये देखिए हमारा पाँचवीं बार फंदा घट गया हमें पाँच फंदे घटाने थे हमारे पाँच फंदा यहाँ पे घट चुका है अब यहाँ पे हमारे पास देखिए बीस फंदे बच गए हैं हमने पच्चीस डाले हुए थे एक फंदा देखिए सिलाई में है ये दूसरा फंदा तीसरा फंदा चौथा पाँचवा छठा सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और बीस अब देखिए हमारे पास बीस बंदे बच गए हैं अब हमारे ये एक कलर की पट्टी कम्प्लीट हो गई है अब यहीं पर हम अपना दूसरा कलर लगा लेंगे तो अपना हम दूसरा कलर ले लेते हैं एकदम इजी है गैस आसानी से आप बना सकते हैं ये देखिए मैंने दूसरा ले लिया और यहाँ से इसे मैं कट कर दूंगी क्योंकि तीन गोला रहेगा तो काम करने में भी प्रॉब्लम होगी तो कट कर लेंगे ज्यादा इजी रहेगा हम इस तरह से लगाएंगे अब ये देखिए दूसरे कलर की हमारी पहली सिलाई है सेम वैसे ही सब कुछ बुनेगा बस हल्का सा चेंज आएगा अभी मैं आपको बता रही हूँ क्या ये देखें इस तरह से हमने ऊन को लगा लिया लगाने के बाद ऐसे डबल बुनते हैं डबल बुनने का ये मतलब नहीं है कि ये हमारे दो फंदे हो गए ये रहेगा हमारा एक ही फंदा बस हमने अपने ऊन को फंसाने के लिए इस तरह से बुन दिया है ये देखें ऐसे करके और अब यहाँ पे इसे हम छोड़ देंगे और इसके नीचे हम इस तरह से ऐसे दबाते हुए चलेंगे यहाँ पे हम उल्टा उल्टा बुनेंगे इन सभी फंदों को बहुत इजी डिजाइन है और आप किसी भी स्टाइल में इसे बना सकते हैं मैंने मेजरमेंट चार्ट शेयर की हुई है आपके साथ देखिए मैंने चार पांच फंदों तक फंसाया है इसे हम थोड़ा सा और आगे तक फंसा देते हैं जिसे निकले ना ये ये इस तरह से ये देखिए हम फंसा दिया अब यहाँ पे बचे हुए फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे हमारे पास अभी यहाँ पे बीस फंदे हैं ये देखें ये इस तरह से बुनते चले आना है एकदम इजी है आसानी से आप बना सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इसे बनाने में ये ऐसे करके हमने बुन दिया अब इसी सिलाई में हमारे फंदे बढ़ जाएंगे हमें फिर से अपना उतना ही फंदा कर लेना है जितने फंदे हमारे थे तो कैसे हमें फंदा बढ़ाना है ये देखें इसे आप पलट लीजिए पलटने के बाद ऐसे उंगली में करिए ये एक फंदा बढ़ गया फिर हमने इस तरह से किया ये दो फंदा बढ़ गया फिर हमने इस तरह से किया ये तीन फंदा बढ़ गया फिर हमने इस तरह से किया ये देखें उंगली पर लपेट के यहाँ पे डाल के खींच लीजिए चार और ये हमारा लास्ट पाँच हमने पाँच फंदा बढ़ा दिया अब देखिए येलो कलर से हमारी ये दूसरी सिलाई है हमें उतना ही फंदा बढ़ाना है जितने हमने यहाँ पे घटाए हुए हैं तो ये हमारी दूसरी सिलाई में देखिए हम इसे पहले उल्टा उल्टा बुन देंगे सभी फंदों को ये इस तरह से हमें बुनना है ये थोड़े से फैलते हैं बट अभी ये फैलेंगे अगली सिलाई से हमारे ये नॉर्मल हो जाएंगे ये देखिए ये इस तरह से हमें बुनते चले आना है ये आप थोड़ा ढीला ढीला ही डालिएगा नहीं तो बुनने में भी प्रॉब्लम होगी ये इस तरह से हमें इसे बुंदेना है ये हमने बुन दिया अब यहाँ पे हम नॉर्मल फंदे आ गए हैं तो ये वाली सिलाई हम उल्टी उल्टी बुन देंगे ये हमारी दूसरी सिलाई है तो यहाँ पे हम दूसरी सिलाई अपनी प्लेन उल्टी उल्टी बुन देंगे और तीसरी सिलाई से अब हमारा यहाँ पे घटना शुरू होगा तो चलिए ये दूसरी वाली सिलाई मैं प्लेन उल्टी उल्टी बुनती हूँ तीसरी सिलाई से चौथी सिलाई से हमारा घटना शुरू होगा दूसरी मैं प्लेन बुनती हूँ उल्टी उल्टी और तीसरी भी उल्टी उल्टी बुनूंगी चौथी में हम सीधी साइड आएंगे तो अपना घटाना शुरू करेंगे देखिए हम यहाँ पे सीधी साइड आ गए हैं ये हमारी उल्टी साइड अब आपको उल्टी साइड अच्छे से समझ आ रही होगी तो सीधी साइड से अब हमें अपना फंदा घटाना शुरू कर देना है चौथी सिलाई से यहाँ पे हमारा फंदा घटना शुरू हो रहा है यहाँ पे हमारा दूसरी सिलाई से ही फंदा घटना शुरू हो गया था क्योंकि हमने जो एक सिलाई में फंदा डाला था उससे हमारी एक धारी आ जाती है अभी आप गिनिएगा यहाँ पे भी हमारी धारियां सेम इतनी ही आएंगी तो चले स्टार्ट करती हूँ ये चौथी सिलाई से हमारा फंदा घटना शुरू हो रहा है ऐसे ही आपको सभी साइज में मिलेगा दो फंदे को हमने एक साथ बुन दिया अब हम अपनी ये चौथी और पांचवी सिलाई उल्टी उल्टी प्लेन बुनेंगे चलिए बुनती हूँ फिर आगे बताऊंगी कि क्या करना है ये देखिए मैंने अपनी चौथी और पांचवी सिलाई बुन दी है हम छठी सिलाई में सीधी साइड आ गए और हम फिर से दो फंदा एक साथ बुनेंगे दूसरी बार हमारा घट रहा है आप ऊपर से भी गिन सकते हैं आपका बीस फंदा बच जाए तो आप समझ लीजिए कि आपके पांच फंदे घट चुके हैं तो चलिए मैं ये वाली सिलाई प्लेन उल्टी बुनती हूँ उसके बाद वाली फिर आगे बताऊंगी कि क्या करना है ये देखिए हमने बुन दिया है पहली बार हमारा घटा था चौथी पे दूसरी बार हमारा घटा है छठी सिलाई पे, अब ये हमारी आठवीं सिलाई है यहाँ पे हमारा घटेगा दो फंदा चलिए इस तरह से घटाती हूँ बस ऐसे ही हमें इसे घटाते चले जाना है हर दूसरी सिलाई पे हम एक एक फंदा घटाएंगे और उल्टी साइड सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे तो चलिए मैं पाँचों घटाती हूँ फिर आगे बताऊँगी क्या करना है ये देखिए हमारा फिर से घट गया है यहाँ पे और हमारे पास देखिए ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस बीस बंदे हो गए हैं अब हम यहाँ पे अपना ग्रीन कलर लगा लेंगे तो जैसे हमने रानी के ऊपर येलो लगाया था वैसे ही येलो के ऊपर ग्रीन लगाएंगे तो चलिए लगाती हूँ फिर आपको एक बार फिर और बढ़ा के दिखा दूंगी कि कैसे बढ़ा सकते हैं आप ये देखिए मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर लगा दिया है अब हम फने अब हमें फंदे को बढ़ाना है तो इसे आप सीधा कर लीजिए सीधा करने के बाद ये देखें ये इस तरह से करना है उंगली पे और यहाँ पे ऐसे निकाल देना है बस ये एक फंदा पड़ गया एकदम हल्के हाथों डालिए बहुत टाइट टाइट नहीं डालना है देखिए दो फंदा पड़ गया ये हमारा तीसरा फंदा पड़ गया ये हमारा चौथा और ये हमारा पाँचवा पाँच फंदे हमने डाल दिए अगर आप टाइट टाइट हाथ से डाल देंगे तो पहली चीज़ तो आपको बुनने में प्रॉब्लम होगी दूसरी चीज़ आपका डिज़ाइन यहाँ पे सिकन आ जाएगी इस तरह से एकदम खुला नहीं आएगा अब हमें फिर से इसे ऐसे ही बुनना है जैसे हमने येलो वाले को बुना है और देखिए अगर मैं आपको धारियां गिन के दिखाऊं तो देखिए आप पिंक वाले की देखिये एक दो तीन चार धारी दिख रही है हमें देखें एक दो तीन चार पाँच छ येलो में भी छ दिख रही है तो बस जितना हम फंदा घटाएंगे उससे एक हमारी धारी अधिक रहेगी अब यहाँ पे हमें इसे बुन देना है ये देखें ये ऐसे करके हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे इन सभी फंदों को ये इस तरह से ये थोड़ा से फैलते हैं ये देखिए फैल गया है बट कोई दिक्कत नहीं है हमारा डिज़ाइन एकदम अच्छे से आएगा तो चलिए अब मैं इसे भी सेम येलो वाले की तरफ़ बुन के पूरा लंबा करती हूँ फिर मैं आपको सभी साइज में मेजरमेंट बताऊँगी ये भी बताऊँगी कि कितने पीसेस आपको बुनने हैं किस किस साइज़ में बहुत डिटेल में हम देखेंगे तो चलिए अब मैं इसे बुन के लंबा करती हूँ फिर आगे आपको बताऊँगी कि क्या करना है ये देखिए यहाँ पे इसे मैंने इतना लंबा बुन लिया है आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है अब यहाँ पे मैंने देखिए अभी इसी ही सिलाई में अपने फंदे को घटाया है अब यहाँ से अगर हमें लगाना है तो हम दूसरा कलर लगाते बट अब हमें लगाना नहीं है मेरा ये कम्प्लीट हो गया है मैं यहाँ पे घटाऊंगी तो घटाते कैसे हैं देखिए दो फंदा एक साथ लिया और बुन दिया फिर इस फंदे को भी इसी सिलाई में लेंगे इसके साथ एक और फंदा लेंगे और बुन देंगे फिर वही चीज़ करनी है ये इस तरह से तो चलिए मैं ऐसे ही यहाँ पे सभी फंदे को घटा देती हूँ फिर आगे आपको बताऊँगी कि क्या करना है जब हमारा एक फंदा बचेगा तो नॉट लगाना बताऊंगी ये देखिए हमारे पास यहाँ पे एक फंदा बचा है हम इसे ऐसे लंबा करेंगे लंबा करने के बाद इसके बीच से अपने ऊन को निकालेंगे और खींच लेंगे खींचने के बाद यहाँ से ऊन को कट करिए ये आपकी नॉट आ गई और एक ऊन को खींच दीजिए ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है यहाँ टोटल हमने पंद्रह पट्टियाँ बनाई हुई हैं देखिए तीन तीन छः तीन नौ तीन बारह तीन पंद्रह अब देखिए इतने के लिए मैं आपको सभी साइज का मेज़रमेंट बताती हूँ मैंने यहाँ पे बनाया है इसे पाँच नंबर के लिए ये देखिए पाँच नंबर लिखा है ये हमारे फंदे यहाँ से स्टार्ट हैं सॉरी ये देखिए ये हमारे यहाँ पे पाँच नंबर लिखा है और हमारे ये वाले यहाँ से स्टार्ट हैं ये हमारा नीचे का घेर का है और ये हमारा ऊपर चोली का है तो आप देखिए सबसे पहले आपको कितने कितने फंदे डालने हैं वो आप समझिए मैंने पाँच नंबर के लिए यहाँ पे पच्चीस फंदे डाले हैं जीरो साइज में आप दस फंदे डालेंगे एक नंबर में तेरह दो नंबर में सोलह तीन नंबर में उन्नीस चार नंबर में बाईस पाँच नंबर में पच्चीस छः नंबर में अट्ठाईस सात नंबर में बत्तीस आठ नंबर में छत्तीस नौ नंबर में चालीस और दस नंबर में छियालीस फंदे डाले फोर्टी सिक्स अब इसे मैंने कैसे डिवाइड किया है ये देखिए पच्चीस फंदे डाले थे तो बीस मैंने बुना है और हमारे पाँच फंदे घटे हैं बीस हमारे रह जाएंगे पाँच घटेंगे मीन्स यहाँ पे देखिए हमने दस सलाइयों में पाँच फंदे घटाए हैं यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है घटाना आपको ऐसे ही है बस कुछ कम और अधिक फंदे घटेंगे जैसा कि आप जीरो साइज़ में देखेंगे तो मैंने दस लिखा हुआ है यहाँ पे दस फंदे डाले हैं जिसमें से हम सात फंदे अपने बुनेंगे और तीन हमारे घट जाएंगे पहली सिलाई उल्टी उल्टी बुनेंगे दूसरी सिलाई में ही आपका एक फंदा घट जाएगा उसके बाद आपका चौथी सिलाई में एक फंदा कट जाएगा और छठी सिलाई में एक फंदा कट जाएगा सातवीं सिलाई में ही आपको अपना दूसरा कलर लगा लेना है एक नंबर में अगर आप देखेंगे तो वही चीज़ है यहाँ पे भी हमें दस और तीन वही तीन फंदे हमारे घटने हैं बस इसकी लंबाई अधिक रहेगी सेम यही चीज़ हमें यहाँ पर भी करनी है और सेम यही चीज़ हमारी दो नंबर में भी हो जाएगी अब अगर मैं आपको तीन नंबर का समझाऊं तो देखिए यहाँ पे हमारे चार फंदे घटने हैं चार फंदे घटने हैं का मतलब है दूसरी सिलाई में पहला फंदा घट जाएगा हमारा चौथी सिलाई में दूसरा फंदा घट जाएगा छठी सिलाई में हमारा तीसरा फंदा घट जाएगा और आठवीं सिलाई में हमारा चौथा फंदा घट जाएगा नौवीं सिलाई से ही हम अपना कलर दूसरा चेंज कर लेंगे सेम वही चीज़ आपको चार नंबर में भी करनी है पाँच नंबर का तो मैंने बताया ही हमारा पाँचवीं सिलाई तक जाएगा पाँच और छः नंबर का एकदम सेम ऐसे ही है बस ऊपर से हमारे फंदे बढ़ रहे हैं अब मैं आपको छः और सात नंबर का बताऊं तो देखिए दूसरी सिलाई में हमारा पहला फंदा घटेगा चौथी सिलाई में दूसरा छठी में तीसरा आठवीं में चौथा दसवीं में हमारा पांचवा और बारहवीं सिलाई में हमारा छठा फंदा घट जाएगा तेरहवीं में हम दूसरा कलर लगा लेंगे नौ नंबर का अगर मैं आपको समझाऊँ तो ये देखिए ये आठ तक जा रहा है हमारा तो नौ नंबर में हमारा देखिए क्या होगा दूसरी सिलाई में पहला फंदा कटेगा चौथी सिलाई में दूसरा छठी सिलाई में तीसरा आठवीं सिलाई में चौथा दसवीं सिलाई में पांचवा, बारहवीं सिलाई में छठा चौदहवीं सिलाई में सातवां और सोलहवीं सिलाई में आठवां सत्रहवीं सिलाई में हम अपना दूसरा कलर लगा लेंगे और दस नंबर का अगर बताऊं तो यहाँ पे दस फंदे घटाने हैं दूसरी सिलाई में पहला फंदा घट जाएगा चौथी में दूसरा छठी में तीसरा और आठवीं में चौथा दसवीं में पाँचवाँ बारहवीं सिलाई में हमारा छठा फंदा घट जाएगा चौदहवीं में सातवां सोलहवीं में आठवां अठारहवीं में हमारा नौवां और बीसवीं सिलाई में हमारा दसवां फंदा घट जाएगा इक्कीसवीं सिलाई से हम अपना दूसरा कलर लगाएंगे दूसरा कलर लगाने के बाद हमें क्या करना है जितने फंदे आपने घटाए हैं उतने ही आप बढ़ाएंगे जो ही आप इन बचे हुए फंदों को बुनेंगे देखिए मैंने यहाँ पाँच घटा दिए थे तो मैंने पाँच बढ़ा लिए हैं तो जीरो एक और दो नंबर में आप तीन तीन फंदे बढ़ा लीजिएगा तीन और चार चार नंबर में चार चार फंदे बढ़ा लीजिएगा पाँच और छः नंबर में पाँच पाँच फंदे बढ़ा लीजिएगा सात और आठ नंबर में छः छः और नौ नंबर में आठ और दस नंबर में आपके दस फंदे बढ़ जाएंगे जब फंदे आपके बढ़ जाएं, तो उसे प्लेन उल्टा उल्टा दो सिलाई बुनिए और उसके बाद फिर से यही चीज़ आपकी स्टार्ट हो जाएगी घटना तो इस तरह से आप इसे किसी भी साइज़ में इजीली बना सकते हैं तो यहाँ पे कितनी पट्टियाँ बुननी है वो देख लीजिए मैंने टोटल पंद्रह पट्टियाँ बुनी हैं आप देखें जीरो एक और दो नंबर में आप नौ नौ पट्टी बुनेंगे तीन चार नंबर में आप बारह बारह पट्टियाँ बुनेंगे पाँच नंबर में पंद्रह छः नंबर में अट्ठारह पट्टी सात नंबर में इक्कीस आठ नंबर में चौबीस नौ नंबर में सत्ताईस दस नंबर में तीस पट्टी आपको बुननी है तो आपका ये कंप्लीट होगा अब देखिए हमें इसमें अपनी ऊपर डोरी डालनी है और नीचे मैंने ये देखिए इस तरह के पीसेस कट किए हुए हैं लेस में से ये मैं यहाँ यहाँ पे इस तरह से लगा दूंगी तो थोड़ा सा ये सोवर हो जाएगा देखने में सुंदर लगने लगेगा ये मैंने लेस में से कट किया है मैं लेस दिखा देती हूँ आपको देखिए मेरे पास ये इस तरह की लेस थी इसमें से मैंने कट कर लिया है बिल्कुल ऑप्शनल है आप चाहे तो लगाएं और चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं अब मुझे यहाँ पर डोरी डालनी है डोरी हमें कैसे डालनी है देखिए सबसे पहले तो हम इस तरह से एक नॉट लगाएंगे ये देखें ये पूरी नहीं लगानी है ऐसे आधी नॉट नॉट बनाने के बाद इसे लंबा करिए और यहाँ से उनको निकाल लीजिए अब ये हमारी प्रॉपर नॉट बन गई है अब देखिए इस तरह से दो उंगली में से यहाँ से डालना है और निकालना है इस तरह से डालना है निकालना है इस तरह से डाल के निकालना है तो चलिए मैं इस तरह से लंबी सी चेन बनाती हूँ बट इसे डालना मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि कैसे आप यहाँ पे डालेंगे और ये जो है पैचेस मैं इस पर चिपका लेती हूँ उसके बाद हम चोली बनाना देखेंगे अब देखिए यहाँ पे मैंने चोली के लिए चालीस फंदे डाल के टोटल सोलह सलाइयाँ बुनी हमें टोटल सत्रह सलाईयां बुनी हैं मैंने सोलह ही बुनी है सत्रहवीं सिलाइयाँ अपनी बुन लेते हैं फिर मैं आपको इसकी सभी साइज़ में मेज़रमेंट बताती हूँ तो यहाँ से ये येलो वाला ऊन कट कर देंगे हमें अपना दूसरा कलर लगाना है और ये अपना रानी कलर लगा लेते हैं ये इस तरह से ये देखिए हमने लगा लिया यहाँ पे ऐसे करके बस ये वाली सिलाई हम उल्टी उल्टी बुन देंगे यहाँ से इसे फंसाते जाइए और इसे बुनते चले जाना है पूरे चालीस फंदों को तो चलिए बुन लेती हूँ फिर मैं आपको सभी साइज में मेजरमेंट बताऊँगी कि कितने पंदे डाल के और कितना बुनना है हमें ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे बुन लिया है हमारी सत्रह सलाई कंप्लीट हो गई है आपको भी अपनी लास्ट सिलाई में दूसरा कलर लगा लेना है तो चलिए सभी साइज की मेजरमेंट देखते हैं तो सबसे पहले हम फंदे देखेंगे मैंने यहाँ चालीस फंदे डाले हैं तो जीरो साइज़ में आपको अट्ठारह फंदे डालने हैं एक नंबर में बाईस दो नंबर में छब्बीस तीन नंबर में बत्तीस चार नंबर में छत्तीस पाँच नंबर में चालीस छः नंबर में छियालीस सात नंबर में बावन आठ नंबर में अट्ठावन नौ नंबर में छाछठ और दस नंबर में चौहत्तर कितनी सलाहियाँ बुननी हैं तो जीरो साइज में सात एक नंबर में नौ दो नंबर में ग्यारह तीन नंबर में तेरह चार नंबर में पंद्रह पाँच नंबर में सत्रह छः नंबर में उन्नीस सात नंबर में तेईस आठ नंबर में पच्चीस नौ नंबर में उनतीस और दस नंबर में हम तैंतीस सिलाइयाँ बुनेंगे अब हमें इसे घटाना है तो देखिए मैं कैसे घटाऊंगी पाँच नंबर का बारह फंदे घटाने हैं सोलह बुनने हैं और बारह घटाने हैं ये जो हम बीच वाला फंदा बुनेंगे यही हमारी इसी में से कैप या कॉलर जो भी आपको बनाना हो बना सकते हैं या फिर दोनों बना सकते हैं मैं ट्राई करूंगी कि मैं दोनों बनाऊँ तो चलें हम बारह फंदे घटाते हैं सोलह बुनते हैं और फिर बारह घटा देते हैं सभी से आज का भी बता दूंगी कि कितना कितना घटाना है तो सबसे पहले देखिए हमने इस तरह से दो फंदे को एक साथ लिया बुन दिया यहाँ एक फंदा हो गया दो से मींस एक फंदा हमारा घट गया अब इस फंदे को भी इसी सिलाई में लेंगे और इसके साथ फिर से बुन बुंदेंगे देखें दो फंदा घट गया फिर इसे लिया इसके साथ हमने एक फंदा और बुन दिया तीन फंदा घट गया ये हमारा सेम तरीके से चार फंदा घट गया ये देखें पांच घट गया हम क्या कर रहे हैं इस फंदे को इस सिलाई में ले रहे हैं इसके साथ एक और फंदा ले रहे हैं और बुन दे रहे हैं ये देखें छह फंदा ये हमारा सात ये आठ ये नौ ये हमारा दस ये ग्यारह और ये हमारा लास्ट बारह बारह फंदा घट गया है अब एक फंदा हमारा इस सिलाई में है बीच में हमें सोलह फंदे बुनने थे देखिए ये दो फंदा हो गया ये तीन ये चार ये पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और सोलह सोलह फंदे बुंदे. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये एक सॉरी ये देखिए, ये एक दो ये तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह फंदा अभी हमारे पास बचा हुआ है तो इन्हें हमें घटा देना है देखिए मैंने दो फंदा एक साथ बुन दिया फिर इस फंदे को भी घटाएंगे ऐसे ही करके हम घटा देंगे सभी फंदों को यहाँ पे लास्ट में एक फंदा बचेगा तो अपनी नॉट लगा के कट कर देंगे ये देखिए स्टार्टिंग वाला फंदा हमारा मोटा मोटा इसलिए है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में अपने ऊन को ज्वाइंट किया है इसलिए वो थोड़ा हैवी है हमारा ये देखें इसे बहुत से लोग दो फंदा मान लेते हैं बट ये नहीं है दो फंदा हमारा एक ही फंदा है ऐसा नहीं है डबल ऊन लगा देने से ये दो फंदा हो गया ये मैंने बुन दिया अब बस यहाँ से नॉट लगा के कट करूंगी चलिए करती हूँ फिर आगे बताऊंगी आपको ये हमारा हो गया है अब मैं आपको सभी साइज में बता देती हूँ कि कितना घटाना और कितना बुनना है तो देखें जीरो साइज में हम छह फंदे घटाएंगे छह बुनेंगे फिर छट जाएंगे एक नंबर में सात फंदे घटाने हैं आठ बुनेंगे फिर सात घटेंगे दो नंबर में आठ फंदे घटने हैं दस बुनेंगे फिर आठ घटेंगे तीन नंबर में दस फंदे हमारे घट जाएंगे बारह बुनेंगे फिर दस घटेंगे चार नंबर में ग्यारह फंदे घटेंगे चौदह बुनेंगे फिर ग्यारह घटेंगे पाँच नंबर में बारह फंदे हमारे घटेंगे सोलह बुनेंगे फिर बारह घटेंगे छह नंबर में चौदह फंदे घट जाएंगे अट्ठारह बुनेंगे फिर चौदह घट गट जाएंगे सात नंबर में सोलह फंदे घटेंगे बीस बुनेंगे और सोलह घटेंगे आठ नंबर में अट्ठारह फंदे घटेंगे बाईस बुनेंगे और अट्ठारह घट जाएंगे नौ नंबर में बीस फंदे हमारे घटेंगे छब्बीस बुनेंगे और बीस घटेंगे दस नंबर में हमारे बाईस पंदे घटेंगे तीस बुनेंगे और बाईस घट जाएंगे ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इतना ही हमारा मेजरमेंट चार्ट रहेगा तो ये हमारा हो गया है अब मैं यहाँ पे जो फंदे हमारे बचे हुए हैं इन्हें बुनूंगी तो यहाँ पे हमें कितना बुनना है मैं अभी आपको बता देती हूँ सबसे पहले तो ऊन लगाएंगे ये इस तरह से ऊन लगाया और ऊन को हम ऐसे डबल करके ही लगाते हैं तो हमारा अच्छे से लग जाता है तो चलिए मैं यहाँ पे इसे बुनती हूँ उल्टा उल्टा इस तरह से फिर आगे आपको बताऊँगी कि क्या करना है हमें यहाँ पे ये वाली सिलाई उल्टी उल्टी बुननी है इसके बाद वाली बुननी है टोटल तीन सिलाइयाँ बुननी हैं ये पहली सिलाई हमारी चल रही है इसके बाद दो और बुनूंगी तो हम सीधी साइड आएंगे फिर आगे देखेंगे कि क्या करना है ये देखिए मैंने यहाँ पे तीन की जगह पे चार सलाइयाँ बुन ली है हम उल्टी साइड आ गए सभी साइज में आपको बताती हूँ कितनी कितनी सिलाइयाँ बुन लीजिए मैंने यहाँ पे देखिए पाँच नंबर के लिए चार सिलाइयाँ बुनी हैं आप पाँच नंबर देखिए तीन चार पाँच और छः नंबर के लिए आप चार चार सिलाई बुनेंगे जीरो एक और दो नंबर के लिए आप दो दो सिलाई बुनेंगे सात और आठ नंबर के लिए आप छः छः सलाइयाँ बुनेंगे नौ और दस नंबर के लिए हम आठ आठ सिलाइयाँ उल्टी बुनेंगे तो ये बुन लीजिए उसके बाद देखिए हमें यहाँ पर अपना नेट बनाना है इस तरह से हमने ये देखें पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे ये मैंने बुना और अगले ही फंदे में नेट बनाएंगे नेट कैसे बनाते हैं इस तरह से डालें और ये हमने नेट बुन दी फिर हम इसे फ्रंट पे लाएंगे यहाँ पे हम देखें ये एक और दो दो फंदा हम उल्टा उल्टा बुनेंगे तीसरे फंदे में हम फिर नेट बना देंगे इस तरह से फिर फ्रंट पे लाइए फिर दो फंदा उल्टा उल्टा बुनिए एक और दो फिर तीसरे फंदे में नेट बना दीजिए फिर फ्रंट पे ले आके दो फंदा उल्टा उल्टा बुनना है और तीसरे फंदे में नेट बनानी है ऐसा आपको सभी साइज में करना है ये देखें दो फंदा उल्टा उल्टा और तीसरे फंदे में नेट अब यहाँ हमारे पास दो ही फंदा बचा हुआ है तो मैं सिर्फ एक फंदा बुझूंगी बुनूंगी क्योंकि हमें अपने लास्ट वाले फंदे में भी नेट चाहिए बस हो गया है अब हम यहाँ पे इसे दो सलाइया उल्टी उल्टी बुन के घटा देंगे आपको भी सभी साइज में सिर्फ दो ही सलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन के घटा देनी है चलिए करती हूँ फिर आगे बताऊँगी क्या करना है ये देखिए यहाँ पर ये मेरा घट गया है कटने के बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया बहुत ही खूबसूरत से ये हमारी कॉलर वाली चोली आ गई है यहाँ पे ऊन को मैंने इस तरह से फसा दिया है ये देखें ये ऐसे आएगी और उसके बाद हम ये कॉलर मोड़ देंगे मैंने सोचा था इसी में से कैप भी बनाऊंगी बट कैप नहीं बन पाएगी क्योंकि बनेगी तो बहुत मोटी हो जाएगी और हमारे कॉलर का लुक खराब हो जाएगा तो हमें इसका लुक खराब नहीं करना है आप देखिए बहुत सुंदर लग रहा है अब मैं आपको कैप बनाना बताती हूँ तो कैप के लिए मैंने यहाँ पर नौ फंदे डाले हैं देखिए मैं अपने तीनों कलर से दो दो सलाइया यहाँ पे सॉरी चार चार सलाइया बुनूंगी हमारी दो दो धारियां उभरेंगी तो चलिए मैं इसे बुन के लंबा करती हूँ फिर सभी साइज का मेजरमेंट यहाँ पे भी आपको बताऊंगी ये यह देखिए यहाँ पे हमने अपनी कैप भी बुन ली है कैप के लिए हमने यहाँ पे नौ फंदे डाल के टोटल अड़तालीस सलाइयां बुनी हुई हैं सभी साइज में आप देखें कितने कितने फंदे डालेंगे तो जीरो साइज में आपको चार फंदे डालने हैं एक नंबर में पाँच दो नंबर में छह तीन नंबर में सात चार नंबर में आठ पाँच नंबर में नौ छः नंबर में दस सात नंबर में बारह आठ नंबर में चौदह नौ नंबर में सोलह और दस नंबर में अट्ठारह फंदे डालेंगे कितनी कितनी सलाइयाँ बुननी हैं तो जीरो साइज़ में देखिए चौबीस एक नंबर में अट्ठाइस तीन नंबर में चौंतीस सॉरी दो नंबर में चौंतीस तीन नंबर में चालीस चार नंबर में चौवालीस पाँच नंबर में अड़तालीस छः नंबर में बावन सात नंबर में अट्ठावन आठ नंबर में चौंसठ नौ नंबर में सत्तर और दस नंबर में हमें छिहत्तर सलाइयाँ बुननी हैं अब हमें यहाँ पे अपनी फ्रिल बनानी है तो देखिए इसका एक हिस्सा हमारा इस तरह से नीट एंड क्लीन है और एक हिस्सा हमारा थोड़ा सा रफ है हम इधर से ही अपनी उठाएंगे ये सभी धारियों के बीच बीच में हमें एक एक फंदे उठाने हैं तो देखिए इस तरह से डालना है और किसी भी तीनों में से आप कोई भी एक कलर लगा सकते हैं जो भी आपको पसंद हो तो चलिए ग्रीन लगाती हूँ क्योंकि हमने चुल्ही में यूज़ नहीं किया है ग्रीन तो यहाँ पे यूज़ हो जाएगा ये देखिए ये इस तरह से हम लगा लेंगे ये ऐसे निकाल लिया ये एक फंदा निकाल लिया फिर देखें अगले वाले में डाला ये हमने अपना दूसरा फंदा निकाल लिया फिर अगली वाली धारी में डाला ये हमने अपना तीसरा फंदा निकाल लिया ऐसे ही हमें सभी धारियों में डाल डाल के एक एक फंदे निकालने हैं तो चलिए मैं निकालती हूँ पूरा यहाँ से यहाँ तक फिर आगे बताऊँगी कि क्या करना है ऐसे ही आपको सभी साइज में फंदे निकाल लेने हैं ये देखिए मैंने यहाँ पे अपने फंदे उठा लिए अब मैं यहाँ एक सिलाई उल्टी उल्टी बुनूंगी चलिए बुनती हूँ फिर जब सीधी साइड आऊँगी तो आपको बताऊँगी कि क्या करना है ये देखिए मैंने यहाँ पे अपनी एक सिलाई उल्टी उल्टी बुन ली है दूसरी सिलाई में हम सीधी साइड आए हैं यहाँ पर अब हमें क्या करना है देखिए इस तरह से यहाँ एक फंदा उल्टा बुनेंगे और अगले फंदे में इस तरह से देखिए बुनना ऐसे हमने किया ये इसके ऊपर से ऐसे आएगा फिर से बताती हूँ ये देखिए ऊन हमारा आगे की साइड रहेगा जैसे हम सीधा बुनते हैं वैसे डालेंगे और ये इधर से ऐसे बुनेंगे इसे हम नेट बोलते हैं ये फिर हमने आगे किया फिर अगले फंदे में हम नेट बनाएंगे इससे हमारे एक फंदे का दो फंदा हो जाता है तो हमें यहाँ पे फ्रिल बनानी है तो हम इस तरह से नेट बना देंगे तो फ्रिल आ जाएगी तो चलिए मैं यहाँ पे सभी फंदे में नेट बना लेती हूँ इसके बाद मैं दो सलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन के घटा दूँगी तो ये हमारी फ्रिल कंप्लीट हो जाएगी ऐसे ही आपको सभी साइज में करना है ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे बना के घटा दिया है हमारी कैप भी कम्प्लीट हो गई है अब आप मेजरमेंट चार्ट का स्क्रीन ले लीजिए मैं दिखाती हूँ ये देखिए जब भी स्क्रीन शॉट लें तो वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए जिससे आपको सारी डिजिट एकदम क्लियर दिखे तो चलिए ये हमारी कैप हो गई है ये देखिए यहाँ चोली के ऊपर मैंने एक स्टोन बटन लगा दी है ग्रीन कलर के थोड़ा सा ग्रीन टच आ जाए जिससे और इस पर हमने अपनी ये पैच लगा दी है अब चलिए यहाँ पर हम डोरी डाल देते हैं अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है अपनी डोरी बनाने के बाद ये देखिए डोरी के ऊन को थोड़ा सा लंबा कट कर दिया है और इसे मैंने सुई में डाल दिया है सुई को हम देखिए ऐसे पीछे की साइड से यहाँ पे इस तरह से उल्टी साइड से ही आपको ऐसे इसे डालना है ये देखिए ऐसे करके हम इस तरह से डालेंगे और यहाँ पे ऐसे डाल के आप खींचेंगे तो आपकी जो डोरी है वो निकलती चली आएगी ये देखिए इस तरह से मैंने डाला डालने के बाद यहाँ से खींच देंगे तो हमारी डोरी यहाँ पे निकल के आ जाएगी तो चलिए मैं इसी तरह से यहाँ पे पूरे में डाल देती हूँ ये देखिए ये आ गई चलिए हम यहाँ पूरे पे डाल देते हैं फिर आगे बताऊँगी क्या करना है ये देखिए मैंने यहाँ पे जो डोरी है वो डाल दी है अब यहाँ से मैं ये कट कर दूंगी कट करने के बाद देखिए अब हमारे सूई में हमें ऊन भी मिल गया इसीलिए मैंने थोड़ा सा लंबा करके कट कर लिया था अब इसे हम अपनी कैप सिल देंगे और ये हमारा हो गया है इसे आप खींचेंगे तो ये काफ़ी अच्छी सी आपकी स्कर्ट आ जाएगी एकदम गोल घेर के आती है बहुत सुंदर लगती है आप देखें इसे बनाना भी बहुत ईजी था अभी चलिए पहना के दिखाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी और चोली में भी मैंने देखिए ये इस तरह से एक डोरी डाल दी है चोली भी हो गई कैप सिल लेते हैं कैप कैसे सिलेंगे इसे हम इस तरह से मोड़ेंगे मोड़ने के बाद यहाँ से यहाँ तक हमें सिंपल सीधा सिलना है तो ये अपनी सुई ले लेंगे और इस तरह से हमें इसे सिल देना है सबसे पहले तो यहाँ पे लॉक कर लीजिए और लॉक करने के बाद हम सिंपल सीधी सी सिलाई लगाएंगे ये देखें ये इस तरह से करके हमें यहाँ पे इसे एकदम सीधा सिलना है ये ऊपर आ जाएंगे ऐसे सीधा सिल के उसके बाद यहाँ पे हम नॉट लगाएंगे यहाँ नॉट लगाना ज़रूरी है ये हमने लगा दी अब नॉट लगाने के बाद हमें क्या करना है ये जो सर्कल है यहाँ पे हम सिलाई लगा के खींच देंगे तो ये हमारी कैप भी कंप्लीट हो जाएगी ये देखें ऐसे ही आपको सभी साइज में करना है चाहे आप किसी भी साइज में बना रहे हो मैंने बहुत डिटेल में आपके साथ मेजरमेंट शेयर की हुई है तो आसानी से बनाइए और अपने काना को पहनाइए ये देखें यहाँ पे इस तरह से करके बस अब यहाँ पे मैं एक आग सिलाई लगा के नॉट लगा के कट करूँगी तो ये हमारी कैप भी कम्प्लीट हो जाएगी हम इसे सीधा कर लेंगे ये देखिए मैंने यहाँ पे सिल दिया अब हम इसे सीधा कर देंगे ये देखें कितनी सुंदर थी हमारी कैप जो है वो कंप्लीट हो गई है अब चलिए मैं पूरी ड्रेस काना को पहना के दिखाती हूँ तो ये देखिए गाइस यहाँ पे जो ड्रेस है मैंने पहना दी है काना को आप देख सकते हैं कि ये कितने सुंदर लग रहे हैं बहुत ही क्यूट लग रहे हैं तो आप भी इसे इजीली बनाइए और अपने काना को पहनाइए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोज़ पूरे आपको विंटर में देती रहूँगी बहुत सुंदर सुंदर एकदम डिफरेंट डिफरेंट ये नहीं कि मैं डिज़ाइन रिपीट नहीं करती हूँ मैं आप मेरी देखेंगे सारी मेरी चोली घेर सब अलग रहता है ये नहीं कि घेर बना दिया तो चोली सेम कुछ नहीं सेम मैं सब अलग बनाती हूँ और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको क्रोसिया से भी बताऊँ और सलाई से भी बताऊँ दोनों चीज से बता दू तो देखें हमारी ड्रेस बन गई है आसानी से बन गई है तो इजीली आप भी बनाइए और अपने काना को पहनाइए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में तो चलिए अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे